For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इस बार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है अनिका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार शो में आपको प्यार तो देखने को मिलेगा दोनों का, लेकिन अभी आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, जिसके बाद कहानी में और भी कौन कौन सी चीजें होंगी ये सब हम आपको बताएंगे, और कैसे आपको कहानी और भी ज्यादा पसंद आएगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये याद दिला दें कि कैसे शिवाय ने अनिका के साथ कर ली थी जबरदस्ती शादी, और यही वो वजह थी जिसके कारण अनिका बहुत ज्यादा टूट गई थी। लेकिन वो शिवाय को समझा नहीं पा रही थी, जिसके साथ ही अब आपने शो के एपिसोड में देख लिया कि कैसे अब शिवाय को हो गया है अपनी गलती का एहसास, और वो अनिका से माफी भी मांग रहा है। लेकिन अनिका चली गई है उसके घर को छोड़कर, जिसके साथ ही अब हम आपको आगे की जानकारी दे दें कि शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनिका जहां एक तरफ अपने चौल में चली जाएगी और वो शिवाय को याद कर रही होगी, तो वहीं दूसरी ओर शिवाय भी सोचेगा कि कैसे वो अनिका से मांगे माफी। जिसके साथ ही अब शो के आने वाले ट्रैक में अब शिवाय को कमानी होगी अनिका से माफी, जहां वो कैसे अनिका से पा लेगा माफी, ये सब देखना काफी ज्यादा शो इश्कबाज में मजेदार होने वाला है। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट शो इश्कबाज से जुड़ी लेटेस्ट खबर और अपकमिंग डिटेल्स जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।